हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी में आई वैकेंसी की। इसमें जो पोस्ट आया हुआ है उसका नाम है सीनियर डेवलपर, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है बी या बीटेक, या अगर आपने एमएससी और पीएचडी भी किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट एरिया में, और साथ ही साथ इसमें आपको स्किल्स एक रिक्वायर्ड है, और वो स्किल्स है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आना चाहिए और साथ ही साथ अमेज़न वेब सर्विस का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी शार्प में एक आपका स्ट्रांग हैंड होना चाहिए, और इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं रखा गया है। इसका मतलब कि आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एक डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड होगा जो कि फेस टू फेस होगा। ध्यान रखिएगा कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू इसमें नहीं रखा गया। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी बेंगलोर में, और जो आपकी सैलरी होगी ये टोटली डिपेंड आपके इंटरव्यू पर होगा, और इसमें जो सैलरी अप्रॉक्स 15 लाख पर एनम के बीच होगी। तो बिल्कुल आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है एचसीएल जैसी संस्था में काम करने का और एक अपना शानदार कैरियर बनाने का। तो जाइए और इसमें अप्लाई कीजिए, और ध्यान रखिएगा इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 18 जून 2022। तो देखिए इसे, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहें। थैंक यू।